हेलो बच्चों, तो आ गए हमारे डे टू पे। हम आज हम लोग करेंगे नेशनल इनकम से रिलेटेड एमसीक्यूज को प्रैक्टिस। तो ये आज हम जानेंगे नेशनल इनकम और उसके कुछ रिलेटेड एग्रीगेट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और मेजरमेंट्स से रिलेटेड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज। तो ये आया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपको रूल याद है ना, आपको बुक और कॉपी पेन लेके बैठना है, आपको वीडियोस को पॉज करना है और आंसर्स को खुद टिक करना है और फिर उसके बाद आपको आंसर्स चेक करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक इज मेजर्ड। स्टॉक कैसे मेजर होता है? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि हो जाएगी एक पर्टिकुलर डेट, स्पेसिफिक डेट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ऑन अ डेट, क्योंकि पर डे, मंथली, ईयरली, ये दीज ऑल आर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है ये। और जो ऑन अ डेट हो जाता है वो हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सो ये हो गया आपका स्टॉक का क्वेश्चन। आ गए हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। लीकेजेस रिड्यूसेस द डैश ऑफ इनकम। इकोनॉमी में क्या करता है लीकेजेस? इट रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ इनकम, और वी कैन ऑल्सो राइट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। बोथ आर करेक्ट। नाउ, मूवमेंट ऑफ रेंट फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। एक सेक्टर से जब रेंट जाता है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे, रेंट इज अ फॉर्म ऑफ मनी, मतलब पैसा ट्रांसफर हो रहा है। सो देयर फोर इट विल बी अ मनी फ्लो। थ्री सेक्टर सर्कुलर फ्लो। थ्री सेक्टर सर्कुलर फ्लो के अंदर क्या क्या आ गया? हमारा हाउस होल्ड हो गया है, इन्वेस्ट प्राइवेट प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया है और गवर्नमेंट सेक्टर हो गया है। ये तीनों ही जो है विद इन कंट्री है, कंट्री के ही पार्ट है, तो इसलिए ये आते हैं हमारे क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर, आर अ पार्ट ऑफ द क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी अगर हो जाता है तो ओपन इकोनॉमी में किसका एडिशन हो जाता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का हो जाता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल बी इंक्लूडेड हियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। इन्वेस्टमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किस चीज का एग्जाम्पल है? लीकेजेस, इंजेक्शन, सर्कुलर फ्लो या सेक्टर्स? क्लियरली इन्वेस्टमेंट मतलब मल्टीप्लायर। हमने देखा है जब इन्वेस्टमेंट होगा तो इनकम जनरेशन होगा, इनकम जनरेशन होगा तो इसका मतलब इकोनॉमी में इंजेक्ट हो रहा है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंजेक्शंस। नाउ सिक्स क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। Now, कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग देखी होगी, नहीं तो आप YT पे जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने NTA का डायरेक्ट पेपर सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन मैंने वहां से ही पिक करा है आपके रिवीजन के लिए। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली NTA ने जो पोर्टल पे पेपर डाला था उसमें से ही है, जो कि पोर्टल से हटा दिया उन्होंने ड्यू टू सम मिस्टेक्स। आप लोग वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। नाउ GNPMP। GNPMP कैसे कैलकुलेट हो सकता है? GDPMP, D को N में कन्वर्ट करना है, तो दैट मींस प्लस NFI। सो टू गोज, ए गोज विथ टू। नाउ ए गोज विथ टू, तो ये हमारा एक वन में दिख रहा है और एक हमें फोर में दिख रहा है। फिर इसमें आप नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। बी के साथ फोर है, दोनों में ही है, तो सी का थर्ड और वन का हम चेक कर लेते हैं। तो सी का थर्ड और वन से चेक कर लेते हैं। थर्ड में NDPMP, GNPMP माइनस NIT करेंगे तो FC हो जाएगा, नो। तो फोर्थ में चेक करते हैं, डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट होगा और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो दैट विल बी GNPMP। थर्ड एंड फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट है। सो GDPMP माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये बन जाएगा NDPMP। सो यस, सी का हो गया वन। सी वन हमारा किस में है? इधर है। सो दैट मेक्स इट क्लियर कि आंसर विल बी आर फोर। तो ऐसे आपको देखने की कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, डायरेक्टली उन्होंने फॉर्मूला एप्लीकेशंस रूल्स को लगाया हुआ है निकालने के लिए। आ गए हमारे सेवेंथ क्वेश्चन पे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे कैलकुलेट होता है? जैसे कि कहा कि कॉन्सेप्ट आना चाहिए और कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आना चाहिए। सो यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्लियरली है हमें नीचे कुछ दिख रहा है डायरेक्ट टैक्सेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिल्कुल गलत। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पहले ही क्विक में आप पहचान जाओगे कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज है। टेंथ क्वेश्चन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे होगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।
सो फ्रॉम माइनस टू होता है, प्लीज ये ध्यान रखना, टू माइनस फ्रॉम नहीं होता है, जो आया माइनस जो गया होता है. सो दैट विल बी टू इज योर आंसर. तो आ गया डेप्रिसिएशन. प्लीज ध्यान रखिएगा, ये डेप्रिसिएशन आपको इकोनॉमिक्स में दो चीजों में दिखता है. एक डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता है जो फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर से रिलेटेड होता है, एक डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स होता है. तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन नेशनल इनकम में एसेट्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं. डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ऑल ऑफ दीज. यस, द आंसर इज ऑल ऑफ दी, सारे ही होते हैं, ये सारे नेम है, ये आपको ध्यान रखना है इस चीज का. देखा तो कैसे छोटी छोटी चीजें आप लोग सीख रहे हैं इसके अंदर, एक छोटे छोटे एमसीक्यू से रिलेटेड. सो स्टे ट्यून, करते हैं आगे का क्वेश्चन. फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ढूंढना है, इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है. हमको इस क्वेश्चन को देखते क्लियरली दिख रहा है कि अच्छा, अगेन मैंने पहले भी आपको वीडियो में बोला है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड इनपुट टेक्स्ट क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं. तो हो सकता है कहीं पे आपको आंसर टाइप करना पड़े, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं. सो कैसे निकालेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस चेंज इन स्टॉक. और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स, दैट इज 200. 100 वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया नहीं है तो हम सेल्स लेते हैं, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हैं. और ये टुगेदर बनता है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट. तो सेल्स ले लेते हैं, डोमेस्टिक सेल्स दी हुई है 200 प्लस एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है 10 प्लस चेंज इन स्टॉक इज ऑल्सो गिवेन -10. सो ये माइनस माइनस रूल आउट. नाउ माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 120. सो 200 माइनस 120 विल बी योर 80. सो फिर से देख लेते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. सेल्स कितनी दे रखी है? दो तरीके की, डोमेस्टिक सेल्स है और एक्सपोर्ट है. तो आपने देखा 200 एंड 10, तो क्या हो गया हमारा 210 हुआ. यहाँ पर चेंज इन स्टॉक हमारा माइनस में दिया था, तो जब हम इसको ऐड करेंगे सो दैट विल बी आवर 200, इट विल बी आवर 200, राइट. अब इसके बाद जब 200 बचता है तो इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको सब्ट्रैक्ट करना है. सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स आर इंटरमीडिएट कंजम्पशन. सो 200 में से जब 120 जाएगा तो डेफिनेटली इट विल बी 80. सो आंसर विल बी रुपीज 80 लाख इज योर जी वी ए एम पी, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस. आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि कैसे फॉर्मूले इसको करना है. तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 11th क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्वेशन हमें दिख रहे हैं, नेशनल इनकम हमें ढूंढनी है. नेशनल इनकम का मतलब हो गया आपको ढूंढना है NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपको ढूंढना है इसके अंदर. नाउ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के लिए आपको यहाँ पे पहले पहचानना है कि आपके यहाँ पे कौन कौन से आइटम्स दिए हुए हैं. सो देखिए, वेजेस एंड सैलरी दिख रहा है हमें, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर दिख रहा है, मतलब ये हो गए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. सो हमने ले लिया यहाँ पे, और इनकम मेथड क्लियरली अप्लाई हो रहा है ये यहाँ पे दिख रहा है. और इनकम मेथड से क्या कैलकुलेट होता है? NDPFC कैलकुलेट होता है. तो हमने ले लिया 1000 वेजेस एंड सैलरी ले ली, हम लोगों ने ले लिया एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज 100 ले लिया हम लोगों ने. अब ले लेते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस का आ गया प्रॉफिट जो कि है 400, रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी ये हो गया हमारा टोटल 550, इधर से टोटल करके देख लिया मैंने 550. मिक्स्ड इनकम यहाँ पे गिवन नहीं है, मिक्स्ड इनकम नहीं है, तो जब आप इसको टोटल करोगे सो दैट विल बी योर NDPFC. तो आपकी NDPFC कितनी हो रही है यहाँ पे?
2050 इज योर एनडीपीएफसी। ढूंढने को क्या बोल रहे हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें आपको, अगर आप इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, सो दैट विल बी योर एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी बन जाएगा। तो इसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, टू अब्रॉड होने की वजह से ये जो आपकी वैल्यू है ये ऐड होने की जगह सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आंसर हो गया 2040, 2040 इज दी आंसर। तो ये बन गया आपका रुपीज इन लाख। सो यहाँ पे आप लोग देखिए, फॉर्मूले से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा और फॉर्मूले के एप्लीकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है इनपुट टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। सो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैच द फॉलोइंग करनी है। ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन क्या होते हैं, यूनिलेटरल पेमेंट्स होते हैं, हमें मालूम है ये चीज। वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या हो गए आपके, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखा आपको कैसे छोटे छोटे टर्म्स यहाँ पे पता चल रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ये इनकम मेथड के अंदर दिया हुआ है। चेंज इन स्टॉक इज अ क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इनकम मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर पेमेंट मेथड। सो इजी, आप लोग को देखो कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से कैसे क्लियर हो रहा है आपको। अब आते हैं हम हमारे 13th क्वेश्चन पर। फाइंड द करेक्ट पेयर। प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग नहीं है, पेयर्स आपको दिए हुए हैं, उस पेयर में से कौन सा करेक्ट है ये आपको ढूंढना है। सो इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। यस, क्योंकि रेंट क्या होती है, ये होती है फैक्टर इनकम होती है, और फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है नेशनल इनकम के अंदर। नेट एक्सपोर्ट्स इज डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। नो, इट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। पेंशन ऑन रिटायरमेंट इज अ ओल्ड एज पेंशन, आर दे बोथ सेम? नो, पेंशन ऑन रिटायरमेंट इज अ फैक्टर इनकम एंड ओल्ड एज पेंशन इज अ ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नो, इट इज नॉट इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स पे जो ब्रोकरेज हमें मिलती है वो इंक्लूड होती है, उनकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड इज अ फैक्टर पेमेंट। नो, इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट। सो करेक्ट पेयर इज ए हियर। आते हैं 14th क्वेश्चन पर। देखा कैसे आपके कॉन्सेप्ट छोटे छोटे क्लियर हो रहे हैं। आपको और डिटेलिंग के लिए स्टे ट्यून्ड, हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में भी ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिससे आपको एक क्विक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं सीयूईटी में। 14th क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, यस, एनडीपीएफसी माइनस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज माइनस मिक्सड इनकम। क्योंकि एनडीपीएफसी क्या होता है इनकम मेथड में, इससे पहले न्यूमेरिकल करा था हमने, जिसमें होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्सड इनकम। जब हम इनको ऐड करते हैं तो बनती है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी में से कंपनसेशन ऑफ मिक्सड इनकम माइनस करेंगे तो आ जाएगी ऑपरेटिंग सरप्लस। और ऑपरेटिंग सरप्लस खुद क्या होता है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट होता है। सो यस, बोथ ए एंड सी विल बी द आंसर। सो आंसर इज डी हियर। आ गए लास्ट क्वेश्चन पर। देखा कितना मजा आया ना, तो हम आ गए लास्ट क्वेश्चन पे। ये हो तो हो गया हमारा लर्निंग बाय फन हो गया। तो आते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग वैल्यू एडिट मेथड एंड फाइनल आउटपुट मेथड। तो दोनों ही मेथड इसके अंदर यूज हो सकते हैं। सो यस, आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। सो आंसर इज सी। विद दैट, थैंक यू सो मच, और मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर के लिए।